मास्टर जी ने बाबा जी नूं बैठण लई कुर्सी दित्ती अते कहा, बाबा जी इन्हां बच्चियां नूं पिंड दे आले दुआले नूं साफ करन लई भेजिया सी। जिहड़े मास्टर जी सी उन्हां ने बाबा जी नूं पहला बिठाण लई उन्हां नूं कुर्सी दित्ती ते फिर उन्हां दी गल दा जवाब दित्ता कि इन्हां बच्चियां नूं पिंड दे आले दुआले नूं साफ करन लई भेजिया सी। आला दुआला मीनस पिंड दे गलियां नूं साफ करन वास्ते भेजिया सी। इन्हां दी तरह होर बच्चों की भी एक घंटे की ड्यूटी लाई गई है, मतलब सिर्फ इन्हां बच्चों की ड्यूटी नहीं लाई इस काम नूं करन लई बल्कि होर बच्चों की भी इहो जिहे काम नूं करन दी ड्यूटी लगाई गई है। बाबा जी बोले, पर इह तां मोम जामे दे लिफाफे इकट्ठे करदे सी, भला इहदी की लोड़, लिफाफे तां आपे ही हवा विच इधर उधर उड़ जांदे ने। बाबा जी ने मास्टर जी नूं जवाब दिता कि इह तां जिहड़े मतलब बच्चे ने उह गलियां विच मोम जामे दे लिफाफे इकट्ठे कर रहे सी, बट लिफाफियां नूं इकट्ठा करन दी की लोड़ है, उह तां आपे ही हवा विच उड़ जांदे ने। मास्टर जी ने बच्चों नूं बैठन दा इशारा किया अते कहन लगे, बाबा जी तुहानू तां पता है कि ये प्लास्टिक दे लिफाफे सारे वातावरण नूं दूषित करदे ने। मतलब मास्टर ने बाबा जी दी गल दा जवाब दिता ते बच्चों नूं भी बैठन दा इशारा किया। मास्टर जी ने कहा कि बाबा जी तुहानू पता है कि ये प्लास्टिक दे जिहड़े लिफाफे ने उह साडे सारे वातावरण नूं खराब करदे ने या गंदा करदे ने, दूषित मीनस गंदा या खराब। ये ना गलते ने ते ना ही सड़ते ने, मतलब ना तो ये गलते ने और ना ही ये इन्हों साड़न ते अग लाने ते सड़ते ने, उड के नालियां विच चले जाते हैं ते पानी दा सारा रस्ता भी रोक देंदे ने। जदों नालियां विच फस जाते हैं तो पानी दा जिहड़ा रस्ता है उन्हों भी रोक लेंदे ने। नालियां दा गंदा पानी गलियां विच इकट्ठा हो जाता है ते फिर सब पासे सड़ांद मारदा है। ते जिहड़ा नालियां दा गंदा पानी वो एक जगह ते खड़ जाता है, ठीक है, ते इक्को जगह ते खड़न नाल उहदे विचों गंदी बदबू आती है, गंदी स्मैल आती है। ओ हुण समझ आई कि पिंड दीआं नालियां बंद क्यों रहिंदियां ने, बाबा जी ने सिर हिलाते हुए आख्या। बाबा जी ने मास्टर जी की गल का जवाब दिता कि हुण मैनूं समझ आई कि पिंड दे जिहड़े नालियां ने उह बंद क्यों रहिंदियां ने, उहनां दा पानी जिहड़ा इक्को जगह ते क्यों खड़िया रहिंदा है। फिर मत्थे ते हत्थ फेरदे थोड़ी देर रुक के बोले, हाँ चेते आई गल, उस दिन मैं खेतां नूं पानी ला रहा सी, पानी तां कीड़ी दी चाल तुरिया आ रहा सी, वेख्या तां खाल विच मोम जामे दे लिफाफे फसे पए सन, लिफाफे बाहर कढ़े तां खेतां नूं पानी तुरिया। मतलब फिर बाबा जी ने आपदी गल दसी कि एक बारी मैनूं याद है कि मैं जदों खेतां नूं पानी ला रहा सी तां पानी जिहड़ा सी कीड़ी दी चाल चल रहा सी, कीड़ी दी चाल चलना मीनस बहुत हौली चलना। जदों उन्होंने वेख्या कि पानी जिहड़ा इन्ना हौली हौली क्यों आ रहा तां मोम जामे दे जिहड़े लिफाफे सी उह वड्डे खाल विच फसे हुए सी, ठीक है, ते लिफाफे जदों उन्होंने बाहर कढ़े तां जिहड़ा पानी खेतां नूं जा के लग्गिया, खेतां नूं पानी मिलिया। बाबा जी ये लिफाफे खा के डंगर भी मर जाते ने, गुरदीप बोलिया। फिर जदों मास्टर ते बाबा जी गल्लां कर रहे थे तो गुरदीप ने बोलिया कि बाबा जी ये लिफाफे खा के तो डंगर भी मतलब जिहड़े जानवर ने वो भी मर जाते ने, ये किवें हो सकता है। बाबा जी ये गल नूं मन्नण नूं तैयार नहीं सन, बट बाबा जी ने जिहड़ा गुरदीप सीगे उहदी गल नूं मन्निया नहीं ते कहण लगे कि ये किवें हो सकता है, डंगर किवें मर सकते ने, जानवर किवें मर सकते ने लिफाफे खा के। गुरदीप ठीक कह रहा है बाबा जी, लोकी घर का सारा कूड़ा करकट कच ब्लेड सुइयां पिन आदि लिफाफे विच बंद करके बाहर सुट देंदे ने। मास्टर जी ने फिर जवाब दिता कि गुरदीप जड़ा है वह ठीक कह रहा है, क्योंकि लोग की करते ने अपने घर का सारा कूड़ा करकट कच ब्लेड वर्गियां तिखियां चीज़ां भी लिफाफे विच बंद करके बाहर सुट देंदे ने। डंगर भोजन की तलाश करते हुए लिफाफे खोल लेंदे ने ते कच ते ब्लेड वर्गियां तिखियां चीज़ां द्वारा जख्मी हो जाते हैं, बट जिहड़े डंगर ने जिहड़े गलियां विच फिरदे हुंदे ने ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕੱਚ ਅਤੇ ਬਲੇਡ ਵਰਗੀਆਂ ਤਿੱਖੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਜਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਲਿਫਾਫੇ ਭੋਜਨ ਨਲੀ ਵਿੱਚ ਅਟਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਡੰਗਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲਿਫਾਫੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਭੋਜਨ ਨਲੀ ਵਿੱਚ ਅੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਟਕ ਜਾਣਾ ਮੀਨਸ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਅੜ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਖੜ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਡੰਗਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਲਿਫਾਫੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਅੱਗ ਲਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।